आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और ये बैठा है मेरे साथ बड़ी। तो दोस्तों, मैं चाय पी लेती हूँ, तो आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी, लेकिन फिर मम्मी भी चाय ले आए, तो मैंने बोला चलो कॉफ़ी बाद में पी लेंगे, पहले चाय पी लेते हैं। तो ये लीजिए चाय दोस्तों, चाय पी लीजिए। तो दोस्तों, अब चाय वाय पी के मैं सोच रही हूँ कैस्पर बड़ी को थोड़ी देर वॉक पे लेके जाती हूँ। दो तीन दिन से ये लोग, दो तीन दिन क्या, ज़्यादा ही दिन हो गए ये लोग वॉक पे नहीं जा पाए। सुबह थोड़ा ठंडा होता है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, पहले शाम को लेके जाते थे, लेकिन आजकल शाम को भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी इन लोगों को लेकर जाती हूँ, तो चाय पी लेती हूँ पहले और फिर मिलती हूँ आप लोग। अरे पहनना नहीं इसको, कैसे जाएगा घूमी फिर? आ जाओ, हाँ ठीक, अच्छा ठीक ठीक ठीक, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ बडू, घूमी घूमी घूमी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, आओ आओ आ मेरे बच्चा। कैसा तू भी आ जा, आ जा जल्दी जल्दी, घूम ही जाएंगे फिर। देख बडू तो तैयार हो गया, बडू तैयार हो गया, आ जा आ जा। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं इन लोगों को वॉक पे लेके आई हूँ। 16 तारीख को हमारी बेटी हुई थी और उसके बाद इन लोगों का वॉक पे जाना जो है एकदम बंद हो गया था। मैं तो हॉस्पिटल में ही रुकी हुई थी और दिन में ऑफिस जा रही थी, रात को हॉस्पिटल में रुकी हुई थी और हॉस्पिटल में आना जाना बस यही लग रहा था। तो अभी हम 4-5 दिन के बाद घर आए हैं और उसके बाद फिर घर में ही कुछ काम था, तो जिसकी वजह से फिर मैं नहीं आ पाई। और एक जन का लेकर आना इनको वॉक पे जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों जो है कंट्रोल में नहीं आते हैं। ऋषभ तो मुझे बिल्कुल मना करता है कि मम्मी आप मत लेके आया करो अकेले अकेले, लेकिन क्या करें, लाना ही पड़ता है। जैसे कि आज मैं लेकर आई हूँ इन लोगों को, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे और मैं अब ऋषभ की वेट करूँगी, तो ऋषभ रात को थोड़ा देर से आता है, 7-8 बजे करीब। तो मैंने बोला चलो मैं ही लेके चलती हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को ले आती हूँ अकेले और मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ हैंडल। थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन हो जाता है, और डॉग्स को जो है वॉक पे लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम घर आ चुके हैं और हमारी वॉक जो है वो हो चुकी है, और इन लोगों ने आज मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया। मेरे हाथ जो है दोनों दुख रहे हैं, क्योंकि कैस्पर आजकल बहुत ज़्यादा खींचता है, क्योंकि अब काफ़ी दिन में वॉक पे आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं घूमने को लेकर, तो फिर ये लोग बहुत थका देते हैं। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं घर और आज मैंने इन लोगों को करीब 1 घंटे की वॉक कराई है, तो खूब थक गए हैं ये लोग और अब जो है ये लोग घर जाकर सो जाएंगे। तो चलो फिर अब मैं इन लोगों के हाथ पैर धुला देती हूँ। तो हाथ पैर धुलाते वक्त कैस्पर जो है बहुत आनाकानी करता है और गुस्सा भी दिखाता है कि मैं तुम्हें काट लूँगा, मेरे हाथ पैर मत धुलाओ। लेकिन हाथ पैर तो धुलाने ही हैं, क्योंकि ये लोग वॉक से आते हैं, तो फिर हम लोग जो है इन लोगों को अपने बिस्तर पर सुला लेते हैं, सोफे पर बैठते हैं ये लोग, तो फिर हाथ पैर जो है वो गंदे रहते हैं, तो हम लोग धुलाई देते हैं। और आज मैं इनको शैम्पू से धुला रही हूँ इनका हाथ पैर, क्योंकि रास्ते में थोड़ा कीचड़ सा भी था, तो गंदा पानी था, तो वहाँ पे इन लोगों ने पैर रख लिए थे, तो मैं इस वजह से शैम्पू से धुला रही हूँ, नहीं तो
सादे पानी से धुलाने के बाद और अच्छे से पोंछ लेने के बाद हमारे पास एक स्प्रे है जो डॉक्टर ने दिया था, वो स्प्रे जो है मैं इनके पैरों पे छिड़क देती हूँ। तो बॉडी तो हमारा बहुत सीधा है हाथ पैर धुलाने के मामले में, तो इस वजह से बॉडी बहुत प्यार से हाथ पैर धुला लेता है और मैं यहाँ पे उसका मुंह भी धुला रही हूँ क्योंकि आज ये लोग जो है कुछ सूंघ रहे थे, तो फिर मुझे थोड़ी सी खिंची लगती है क्योंकि ये हमारे तकिए पे सर रखते हैं, तो इस वजह से मैं इनका मुंह भी धुलाती हूँ, हाथ पैर और सब कुछ धुला देती हूँ। और फिर इसके बाद आराम से ये लोग सो जाते हैं और अब मैं इन लोगों को अंदर लाकर अच्छे से इनके पैर जो है वो पोंछ दूंगी, क्योंकि गीले पैर भी फिर ये लोग बिस्तर पे चढ़ जाते हैं और फिर बिस्तर भी गीला हो जाता है, तो अच्छे से पोंछ दूंगी। और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो दरवाजे के लिए मुझे कह रहा है क्योंकि मेरा दरवाजा पता नहीं क्यों उसके कब्जे जो है वो बार बार उखड़ जाते हैं, और जब से मैंने दरवाजा लगवाया है तब से मैं 2-3 बार ही इसके कब्जे लगवा चुकी हूँ, और हर बार ही भैया आते हैं और 200-300 रुपये लेके चले जाते हैं कब्जा जो है वो फिर से वेल्ड करवा कर। तो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम ऐसे आ रही है, और अभी परसों ही मैंने फिर से ये दरवाजा जो लगवाया है तो भाई मेरा वही कह रहा है कि इसमें स्क्रू वगैरह लगवा लो कुछ, शायद तब ये कब्जे ना टूटें। तो हाथ पैर इनके धुलाने के बाद अब मैं अच्छे से पोंछ कर इन लोगों को बिठा दूंगी और फिर ये सो जाएंगे आराम से। तो दोस्तों, वॉक से आने के बाद मैंने कैस्पर बड़ी के हाथ पैर धुला दिए थे और अब जो है ये लोग आराम से सो गए हैं क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे ये लोग। आज मैंने करीबन 1 घंटा इन लोगों को घुमाया तो अभी थक कर ये लोग सो गए हैं आराम से। तो ये देखो बडू कितने प्यार से सो रहा है, ये देखो बडू कितने प्यार से सो रहा है यहाँ पर, और ये चादर ओढ़ के सो रहा है कैस्परी। हाँ सो जा मेरे बच्चे सो जा। और यहाँ पर मैं माइलो को बहुत मिस करती हूँ, जहाँ भी हो जल्दी आ जाए, बहुत याद आती है माइलो की, यहाँ पर बैठा रहता था इन लोगों के साथ। भगवान जी जल्दी भेज दीजिए माइलो को जहाँ भी हो वो। तो फिर मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। आज प्याज के पराठे बना रही हूँ। ऋषभ पिछले 2-3 दिन से बोल रहा है कि मम्मी प्याज के पराठे बना दो, लेकिन नहीं बना पा रही थी मैं क्योंकि कभी कुछ सब्जी बना लेती थी मैं, कभी मम्मी के घर पे खा रहे थे तो इस वजह से नहीं बन पा रहा था प्याज के पराठे। तो मैंने सोचा कि आज बना देती हूँ, तो मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। कौन आया बड़ी? क्या बात बड़ू, आज उठ के नहीं गया? गाड़ी की आवाज आई तो कैस्परी तो यहाँ पे सो रहा है, उठ तो गया है। नहीं तो गाड़ी की आवाज आती है तो बड़ी एकदम भाग के जाता है ना। आज थक गया शायद, आज मैंने इनको वॉक पे ले गई थी ना, 1 घंटा वॉक कराया मैंने, थक गए शायद। सो जा मेरा बच्चा, सो जा सो जा सो जा। अच्छा ठीक है, आज तो मैं आई भी नहीं उसको देखने के लिए, आज अभी तक टाइम ही नहीं लगा मुझे वहां जाने का। अरे अपन में शादी हो रही तो प्याज के पराठे मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं और बार बार प्याज के पराठे बनाने की जिद करते रहते हैं, लेकिन रोज रोज तो नहीं खा सकते इसको, तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम जल्दी से बन जाता है ये। तो प्याज को आप बारीक बारीक काट लीजिए, थोड़ा बारीक आपको ज़्यादा काटना पड़ेगा इसको, और इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा मिर्च आप मिला लीजिए, और अगर चाहें तो आप इसमें कटी हरी मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती है तो इसलिए मैं सिंपल इसमें नमक और मिर्च मिलाकर इसको बना लेती हूँ। और अब मैं रोटी में भरकर इसको जल्दी से बना लूँगी। हमारा खाना वाना हो चुका है और हम लोग आ गए हैं सोने के लिए। तो कैस्पर सो रहा है,
ड्राइंग रूम में और बड़ी आ गया यहाँ पे सोने के लिए और कॉफ़ी भी हमारी आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और मेरे गांव के आसपास रहते हैं तो उन लोगों ने मेरे वीडियो में माइलो को देखा होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया कि माइलो जो है घर नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने अपने घर के आसपास माइलो को देखा हो या कल परसों में देखा हो, तो कुछ भी अगर आप जानते हो माइलो के बारे में, कुछ पता हो आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने माइलो को देखा है, तो मुझे जो है बहुत हेल्प हो जाएगी माइलो को ढूंढने में, क्योंकि माइलो जो है आज 21-22-23 तीसरा दिन है आज और माइलो घर नहीं आया है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे फ्रेंड्स फिर एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।